الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته जी पिछली दो क्लासों में या पिछले वीक हमने क्या पढ़ा? सूरह इब्राहिम। बहुत ज़्यादा हमने तफसीर पढ़ ली थी, तो हमने जो हमारा उसूल तफसीर का टॉपिक है वो हमने नहीं पढ़ा था, तो आज हम उसको पढ़ते हैं। सही। और कुछ ना कुछ एक दो आयतों की तफसीरें भी पढ़ेंगे आखिर में इंशाल्लाह। वैसे ही हमारा दूसरा पीरियड है तो ये छोटा पीरियड है, नमाज में अच्छा खासा टाइम निकल जाना। जी क्या पढ़ाया था उसूल तफसीर में? तफसीर के छह तरीके कौन कौन से? अच्छा एक बात नोट फरमा लें कि हाँ, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, ये नोट करें एक जगह और इसके नोट्स बनाएं, सही, ताकि ये आने वाले सालों में प्रॉपर एक नोट्स की शक्ल अख्तियार कर ले, फिर हम स्टूडेंट्स को नोट्स ही दें। क्योंकि मैं मुख्तलिफ दो तीन किताबों से आपको चीज़ें बताऊँगा, इसका हम एक प्रॉपर सिलेबस भी बता रहे हैं कि ईयर वन में उसूल तफसीर कितनी पढ़ानी है, ईयर टू में कितनी पढ़ानी है। टू में हम लोग थ्री में टू में है ना? हाँ टू में कितनी पढ़ानी है, टू में, हाँ टू में, टू में कितनी पढ़ानी है, और फिर ये किताब फिफ्थ ईयर में एक प्रॉपर अरबी किताब होगी वो कितनी पढ़ेंगे, सही, तो उससे हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं आपको कुछ सिलेक्टेड बता रहा हूँ। तफसीर के तुरुक क्या क्या है? पहली तफसीरुल कुरानी बिल कुरानी, नंबर वन। नंबर टू तफसीर अहादीस मुबारका से। नंबर थ्री तफसीर आसार सहाबा से। फोर अक्वाल ताबईन से। नंबर फोर। नंबर फाइव लुगत के एतबार से किसी आयत की क्या तफसीर है। नंबर सिक्स राय और इश्तेहाद से किसी आयत की क्या तफसीर है। जयन। और बस छह हो गए, छह ही बताए थे। अब एक एक करके थोड़ी डिटेल में तफसीरुल कुरानी बिल कुरान, इसका आसान सा माना है कुरान करीम की एक आयत की तफसीर दूसरी आयत से करना। ये कुरान करीम का जो तुरुक है पहला, इसका ये माना है। नबी अलैहिस्सलाम ने भी कुरान की तफसीर कुरान से की है। आप पूछेंगे दलील क्या है कुरान की तफसीर कुरान से की जाए? खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तफसीर कुरान से की है। नंबर वन मिसाल अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ीन आमनु वयल वलम यलबसु लम यलबसु ईमानहुम बिज़ुल्म इसका मतलब होता है खल्त मल्त करना, और लबिसा यलबसु इसका मतलब होता है कपड़े पहनना। हाँ अल्लज़ीन आमनु वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, वो लोग जो ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म से नहीं मिलाया। आयत नंबर सूरह अनआम की 82 नंबर। जाग गए आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम क्या पढ़ रहे हैं? कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसूल तफसीर पढ़ रहे हैं। जी सूरह तफसीर का ताल्लुक सूरह इब्राहिम से नहीं है हजरत। नहीं, ये मिसाल दिए कि कुरान की तफसीर कुरान से कैसे होती है, ये उसकी मिसाल दिए। उसमें एक आयत बोली है और वो भी एक हदीस के अंदर बोली है, और अभी वो हदीस कंप्लीट भी नहीं हुई। कुछ नहीं पढ़ना, लिखना है जो मैं बता रहा हूँ,
बराबर में बैठा है उससे पूछो। अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब पर बहुत दुश्वार हुई कि भाई जुल्म से क्या मुराद है, क्योंकि हर शख्स अपने जान पे कुछ ना कुछ जुल्म तो कर रहा होता है, तो ईमान के साथ जुल्म की मिलावट कैसे नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर शख्स जुल्म करता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म का ये माना मुराद नहीं है। क्या तुमने लुकमान अलैहिस्सलाम के अपने बेटे को नसीहतें नहीं पढ़ी? क्या था लुकमान अलैहिस्सलाम के अपने बेटे को नसीहतों में? अफनान, उधर नहीं लिखा। हाँ, वाइस कॉल लुकमान लिबनिही वहुआ याइज़ुहू, जब लुकमान ने अपने बेटे को कहा और जब वो उनको वाज़ नसीहत कर रहे थे, क्या कहा? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे प्यारे बेटे शिरक मत करना। पहली नसीहत अपने बेटे को की तो फरमाया बेटा, मैं तो कुरान की आयत बयान कर रहा हूँ, तर्जुमा कर रहा हूँ, आप सिर्फ लिख दें सूरह लुकमान की आयत, लुकमान के अपने बेटे को नसीहत। ये हदीस नहीं है, हदीस आपको स्लो स्लो बताऊंगा मैं। क्या तुमने लुकमान के अपने बेटे के मुतालिक ये कॉल नहीं सुना कि शिर्क जुल्म अजीम है? ये हदीस कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको अपने तौर पे बता रहा हूँ, सही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा को नहीं बताया, सही, पूरी आयत नहीं पढ़ के सुनाई। जी, सब सूरे आना, जब सूरे अनाम की आयत नाजिल हुई तो सहाबा को जुल्म का माना समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि हम में से हर शख्स कुछ ना कुछ जुल्म करता है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इधर जुल्म का माना वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। क्या तुमने लुकमान अलैहिस्सलाम की जो अपने बेटे को नसीहत दी थी उन आयात की तिलावत नहीं की? अब वो क्या थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। इज़ क़ाला लुकमानु लिबनिही, जब लुकमान ने अपने बेटे को कहा, सूरह लुकमान है, जाइए सूरह लुकमान खोलिए, तर्जुमे के साथ पढ़िए। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को चंद नसीहतें की। लुकमान अलैहिस्सलाम कौन थे? एक बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। कुछ उलमा ने ये भी कहा कि नबी भी थे, हाँ, लेकिन सही बात यह है कि एक नेक बंदे थे, सही। इनके आगे फिर लोगों ने कहा कि जी अलैहिस्सलाम लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, इसमें भी इख्तलाफ है। बहरहाल तो लुकमान ने अपने, लुकमान हकीम कह लें, लुकमान हकीम ने अपने बेटे को कुछ नसीहतें की। ये कुछ नसीहतें कुरान में मिलती हैं, कुछ अहादीस में मिलती हैं। अहादीस में जो मिलती हैं उनकी सेहत और ज़ौफ का मुझे नहीं पता, बहरहाल मुझे तहकीक नहीं कर सका मैं, लेकिन कुरान में जो मिलती है वो बहुत काम की है, वो ही बहुत है। तो पहली नसीहत उन्होंने की, ए बेटा शिर्क मत करना, इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीमुन, शिर्क जो है ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। अब ये हदीस बयान करने से क्या बात समझनी हमने? जी, कुरान की तफसीर कुरान से की किसने? खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है। जी, ये पता नहीं, हो सकता है किताब तफसीर। कहाँ पहुंच गए? सलफ सालेहीन में से अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम, अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम ने तफसीरुल कुरान के इस उसलूब का एहतमाम किया है। इसी तरह एक तफसीर की किताब है तफसीर तबरी, मोहम्मद बिन जरीर अत्तबरी की तफसीर, दिस बिग तफसीर, इतनी बड़ी किताब है। हाँ जी, यही है तबरी है। उसमें भी यही उसलूब है, एक आयत की तफसीर दूसरी आयत से की गई और फिर रिवायत लाई गई है। इमाम इब्ने कसीर ने भी यही उसलूब अपनाया। इमाम सनानी रहमतुल्लाह ने बल्कि इस पे पूरी एक किताब लिखी है, तफसीर की एक किताब कि जो एक आयत की दूसरी आयत से करती है। इमाम सनानी
और इस उसलूब पर सबसे बेहतरीन सबसे मशहूर किताब ये जरूर नुक्ता लिखना, इस उसलूब पे सबसे मशहूर सबसे बेहतरीन किताब इमाम शिनकीती रहिमहुल्लाह की है। इमाम शिनकीती का नाम सुना आप लोगों ने? इमाम शिनकीती, अमीन शिनकीती नाम था। और इस किताब का नाम है अजवाउल बयान। अजवाउल बयान फी ईजाहिल कुरआनी बिल कुरआनी, कोई किताब नहीं बताई, नाम नहीं बता रहे। अजवाउल बयान किताब का नाम है इमाम शिनकीती की, फी ईजाहिल कुरआनी बिल कुरान, कुरान की वजाहत कुरान के जरिए। इमाम शिनकीती मदीना यूनिवर्सिटी के शुरू शुरू के असातिज़ा में से, ठीक, ईजाह वजाहत करना। फिर उन्होंने इस किताब के जो मुकदमा है उसमें अकसाम जिक्र की है कि तफसीरुल कुरान बिल कुरान की क्या अकसाम, किस किस तरह कुरान की तफसीर, कुरान की तफसीर कुरान से की जाती है। ये फिर जब आप लोग बाद में पढ़ेंगे तब पढ़ाया जाएगा, वो भी थोड़ा एडवांस लेवल किताब है। नमाज का ब्रेक कर लेते हैं। सुभानकल्लाह बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। जी आवाज आ रही है? नमाज से पहले तो जा रही थी, जा रही है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हम कह सकते हैं ये सब तरीका है ऑथेंटिक से तफसीर करने का? जी बिल्कुल, सही सलफ सालेहीन के तरीके पे तफसीर करने का यही तरीका है जो मैंने आपको बताया है। सलफ सालेहीन का जो तरीका है तफसीर है हमारे असलाफ का, वो यही है, क्योंकि खुद नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। नबी अलैहिस्सलाम जब आयत की तफसीर आयत से कर रहे हैं, ये तरीका हो गया ना। फिर अगर उसकी तफसीर वो खुद अपनी किसी बात से कर रहे हैं तो वो उस आयत की तफसीर हदीस से हो गई। और जब इस चीज़ की तफसीर कोई सहाबी कर रहे हैं तो सहाबी ने गोया कि उस आयत की तफसीर की है, फिर ताबईन ने की है, फिर लगत से हुई है। यही तरीका है तफसीर है। और यही इसको कहते हैं तफसीर करने का सलफ़ी तरीका। सलफ़ी तफसीर ऐसी है तो तारीख में बहुत सी ऐसी तफासीर हैं कि जो जिनको हम कह सकते हैं वो सलफ़ी तफासीर हैं, और कौन बहुत सी ऐसी हैं जिनको कह सकते हैं वो सलफ़ी तफासीर नहीं है। सलफ़ी से मुराद कि जो सलफ़ सालेहीन के तरीके पी गई हैं, और वो तरीका क्या है? कुरान की तफसीर कुरान से, कुरान की तफसीर अहादीस से, कुरान की तफसीर अक़वाले ताबईन से, कुरान की तफसीर अक़वाले सहाबा से, सहाबा से पहले सहाबा से, और फिर अक़वाले ताबईन से, और फिर लुगत से, और फिर इज्तिहाद से। आप कहेंगे तो फिर ऐसी दूसरी तफसीरें कौन सी हैं? तो दूसरी तफसीरें बहुत सी ऐसी हैं जिनमें ये तरतीब मलहूज़ ख़ातर नहीं रखी गई। बहुत सी तफासीर ऐसी हैं जिसमें फ़लसफ़े से तफसीर, इल्मे कलाम से तफसीर की गई है, अपनी राय से तफसीर की गई है, जिसको तफसीर बिर्राय कहा जाता है। ये भी इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। उस्ताद मोहतरम, मैं नोट्स बनाना चाहती हूँ उसूल कुरान के, अगर मैं आपको हफ्तावार चेक करवा लिया करूँ ताकि साथ साथ इस्लाह हो जाए प्लीज़, तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल किया जा सकता है। आप नोट्स बनाएं और मुझे भिजवा दें, मैं देख लूँगा।
और जिसके सबसे अच्छे नोट्स होंगे उसके नोट्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसी को आगे हम चला लेंगे। जी, उसे प्लस पॉइंट मिलेगा। और आने वाले तमाम आलिम आलमा कोर्सेज के उसूल तफसीर की उसूल तफसीर के नोट्स लिखने का मौका मिल जाएगा। क्या करें, नोट्स के बदले नोट्स। बिल्कुल, मुझे कैसे सेंड कर सकते हैं? आप फीमेल डिपार्टमेंट का जो हेडलाइन नंबर है उधर भेज दें, वो मुझे भेज देंगे इंशाल्लाह। इमाम शिनकीती की किताब का क्या नाम है? अजवाउल बयान फी इजाहिल कुरानी बिल कुरानी। इनका एक बड़ा मशहूर वाक्या है, पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें। एक बहुत बड़े आलिम थे जामिया इस्लामिया में, मदीना यूनिवर्सिटी अल मदीना अल मुनवरा में। टीचर्स की जरूरत थी, पूरी दुनिया में मैसेज चलाया गया कि मशायख चाहिए, उलमा चाहिए पढ़ाने के लिए। तो इन्होंने भी अप्लाई किया, हमने सुना है, मैं देख नहीं सका इसकी सच्चाई क्या है, यकीनन सच्चाई होगी। तो ये भी चले गए इंटरव्यू देने। जजाक अल्लाह, बैठिए जी। ये 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी की बात है जो बता रहा हूँ। ये भी इंटरव्यू देने चले गए तो उन्होंने कहा कि अईन शहादा, आपकी शहादा या शहादात कहाँ है? शहादा क्या होती है? डिग्री, सर्टिफिकेट्स कहाँ है? कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या था? उनके पास डिग्रियां कोई नहीं थी। तो वो जो इंटरव्यू लेने वाले मशायख थे, उन्होंने कहा अच्छा आपके पास डिग्री नहीं है, आप इन सवालात के जरा जवाब दें। तो इन्होंने उनको कोई पर्चा दिया या कुछ सवालात दिए, इन्होंने उसका भी जवाब दिया और उसके बदले में कुछ सवालात लिख के उन मशायख को वापस दे दिए। तो वो सवाल देख के या वो जो उन्होंने बात लिखी थी या पूछी थी उसको देख के वो मशायख काफ़ी हैरान हुए। उन्होंने कहा कि भाई माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतना इल्म दिया है, आप हमारे यूनिवर्सिटी में आए पढ़ाएं, और ना सिर्फ हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएं बल्कि मशायख को भी आप पढ़ाएं। तो ये शेख अमीन शिनकीती रहिमहुल्लाह, बहुत बड़ा नाम गुजरा है तारीख में। शिनकीत शहर के थे, अभी शिनकीत का है मुझे नहीं पता। हाँ, मोरेटानिया में, ये का है अफ्रीका, मोरक्को के नीचे। मोरक्को का है, मराकश है, अफ्रीका में ही है ना, अफ्रीका के पास ही है। ये अफ्रीका के कंट्रीज में से है। तो हाँ, मोहम्मद अल अमीन अशिंकीती। एक और है जिनका यूट्यूब पे बड़ी आपको वीडियोस मिलेंगी, मोहम्मद बिन मुख्तार अशिंकीती। अरबी में आपको इनके वीडियोस मिलेंगे, नीचे इंग्लिश के सब टाइटल्स मिलेंगे। उनकी बड़े अच्छे, वो मेरे ख्याल अभी हयात है, मोहम्मद बिन मुख्तार अशिंकीती। मोहम्मद बिन मुख्तार, ये उनसे अलग हैं, ये वो नहीं है। जी चल रहा होता है, बड़ी इनकी अच्छी ईमान को ताज़ा कर देने वाली वीडियोस होती हैं। दूसरा तर्ज क्या है? कुरान की तफसीर को अहादीस रसूल से करना, तफसीरुल कुरानी बिसुन्नतिन नबवीयती। अमीन शिनकीती ऐसे लिखेंगे जी, बिल्कुल। कुरान की तफसीर को हदीस से करने की क्या दलील है? तो दलील होगी ना, कुरान से क्या दलील है? हाँ लिखे, वअन्ज़लना इलैका ज़िक्रा, और हमने जिक्र नाजिल किया है। जिक्र कौन है? कुरान, कुरान है जिक्र, कुरान है अज़-ज़िक्र, कुरान है। वअन्ज़लना इलैका ज़िक्रा, हमने जिक्र नाजिल किया, ली तुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि आप वाजे कर करके बता वाजे कर दें लोगों के लिए, मा नुज़्ज़िला अलैहिम, जो उन पर नाजिल किया गया। और भी बहरल दलाइल हैं, लेकिन एक बिल्कुल सीधी ठोस दलील ये है कि कुरान नाजिल किया ताकि आप वाजे करें। जी
ये सूरह इब्राहिम है जी, सूरह इब्राहिम की आयत है। हमने पढ़ी थी ना अभी, तो पढ़ी थी शुरू में, भूल गए? नहीं पढ़ी, ये कोई दूसरी आयत थी। अच्छा चले भाई, सूरह इब्राहिम में भी ऐसी एक आयत है और उसके अलावा भी एक आयत है, आप गूगल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं। दूसरी दलील भी यही है कि नबी अलैहिस्सलाम की बात भी वही है, नबी अलैहिस्सलाम की बात भी वही है, और उसकी वही मशहूर आयत है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा। जी, ये जो ऊपर आयत बताइए जिक्र वाली, ये सूरह नहल आयत नंबर 44 है, नोट कर लें। कुरान करीम की नबवी तफसीर की अकसाम। कुरान करीम की जो प्रोफेटिक तफसीर हुई है नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह की है, उसकी भी एक किस्में हैं। एक किस्म तो कुरान की तफसीर में हदीस में ऐसे आई है कि कभी कभार पहले आयत जिक्र होती है और फिर उसकी तफसीर की जाती है। नबी अलैहिस्सलाम पहले आयत जिक्र करते हैं और फिर उसकी तफसीर करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, कभी कभार पहले तफसीर होती है फिर आयत जिक्र की जाती जी। जी बता, अब आप, हमने कहा तवज्जो है सबकी, हमने कहा कुरान की तफसीर कुरान से, ठीक, अब वो किस किस तरह होती है थोड़ा एडवांस है, बाद में पढ़ेंगे, आप मिसाल मैंने दे दी। दूसरा, कुरान की तफसीर होती है हदीस से। हदीस में दो उसलूब हैं, पहला उसलूब मैंने बताया, पहले आयत आएगी फिर तफसीर होगी, दूसरा पहले तफसीर आएगी फिर आयत होगी। अच्छा, ये जो है ना, ये जो नबी अलैहिस्सलाम की जो तफसीर है ना, उसकी अकसाम में से ये पहली किस्म की मजीद दो किस्में, ए और बी। अकसाम तफसीर बिसुन्ना की पहली टाइप में से ये उसकी दो उसलूब है, यानी जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि इस आयत की ये तफसीर है। हाँ, ये उसके दो उसलूब है। दूसरी किस्म क्या है, सहाबा कराम को किसी आयत के समझने में मुश्किल हो रही हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसीर की हो। अच्छा, मुझे पता चल गया, एक मिनट, नबी अलैहिस्सलाम का तफसीर करने का तरीका क्या है, इसकी अकसाम है। नंबर वन, नबी अलैहिस्सलाम खुद कह दें इस आयत की, इस लफ्ज़ की ये तफसीर है। इसके दो तरीके हैं, दो उसलूब हैं, या तो पहले वो लफ्ज़ या आयत बयान कर दी फिर तफसीर कर दी, ये पहले तफसीर कर दी फिर आयत बयान कर दी, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा, जो सुन्नत से तफसीर की जाती है वो क्या है, वो ये है कि सहाबा कोई आके सवाल पूछे और नबी अलैहिस्सलाम उसकी तफसीर कर दें। सहाबा कहें कि ये हदीस हमें समझ, ये आयत समझ नहीं आ रही, इसकी तफसीर कीजिए। तीसरा, जी, तीसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कलाम में कोई ऐसी बात कह दें जो किसी आयत की तफसीर मालूम होती हो, खुद नबी अलैहिस्सलाम ना कहें कि ये इसकी तफसीर है, बल्कि कलाम ऐसा हो कि जो मालूम हो कि ये उसकी तफसीर हो सकती है। इन सब की मिसालें दूंगा मैं, पहले इसको हजम कर लो। नंबर टू, सहाबिया सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम, ये थ्री है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी अलैहिस्सलाम के कलाम में कोई ऐसी बात हो कि जो किसी खास आयत की तफसीर मालूम होती हो, हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात की हो
कि सहाबा को लगाओ या सुनने वालों को लगाओ या हदीस में हो कि ये इस आयत की तफसीर है। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद नस्सन में कहा हो कि ये उसकी तफसीर। नंबर चार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आयत की इस तरह तफसीर करें कि उसमें जो हुक्म हो उस पे अमल कर लें, या जिससे करने से रोका हो उससे रुक जाए, तो उससे पता चल जाए भाई इस आयत की यह तफसीर है। नंबर वन जी, मैं पूरा ही रिपीट कर रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तफसीर कैसे की, या फिर तफसीर उल कुरानी बिसुन्ना नबविया, सुन्नत नबवी से कुरान की तफसीर किस तरह होती है, उसकी चार अकसाम है। पहली किस्म, हदीस में वाज़े तौर पर नबी अलैहिस्सलाम कह दें इस आयत की या इस लफ्ज की तफसीर ये है, ठीक है, उसके दो उसलूब हैं। ये तो पहले आयत या लफ्ज होगा फिर तफसीर हो जाएगी, या पहले तफसीर होगी फिर आयत या लफ्ज होगा, पहला पॉइंट हो गया। अगर नबी अलैहिस्सलाम खुद से ना कहें कि इस आयत की ये तफसीर है या इस लफ्ज की ये तफसीर है, दूसरा तरीका क्या है, सहाबा को कोई आयत समझने में मुश्किल हो और नबी अलैहिस्सलाम उसके आगे तफसीर कर दें, दो हो गए। तीसरा जी, क्यों समझ नहीं आया, सहाबा कोई सवाल करें और नबी सलाम तफसीर कर दें, अब वो रुक जाए थोड़ी। तीसरा, नबी अलैहिस्सलाम कोई बात कहें, उस बात में ये कहीं मेंशन ना हो कि ये फला आयत की तफसीर है, बस एक बात कहें किसी भी मौजू पर, लेकिन वो बात ऐसी हो कि जिससे ये अंदाजा हो कि ये फला आयत की तफसीर होगी। मिसालें दूंगा मैं। और नंबर चार, नबी अलैहिस्सलाम कुछ कहे नहीं, अमल कर लें। अब समझ आ गई, पहले मैंने कहा था, चौथा पॉइंट समझ आ गया, नबी सलाम कुछ कहे नहीं अमल कर लें। अब अमल किस तरह होगा, क्या अमल क्या होता है कुरान की किसी आयत पे, अमल क्या होता है जी, नमाज का हुक्म आया पढ़ ली, जिना से बचने का हुक्म आया जिना छोड़ दिया, कुर्बानी गए कुर्बानी कर ली, यानी कोई हुक्म कुरान में बयान हुआ और उससे बच गए, सॉरी वो कर लिया, और किसी चीज से रुकने का कहा गया उससे रुक गए छोड़ दिया उसको, ये भी एक तफसीर का तरीका है जो अहादीस से मिलता है। बात समझ आ गई, अब इसकी मिसाल आपको मैं अगली क्लास में दूंगा। अगली क्लास कब है जी, अभी चारों रिपीट किए हैं वो समझाएगा, वो समझाएगा, नहीं समझ आया फिर आना। जी नहीं, अमल किया, अमल मिसाल आ जाएगी, अब इतनी बाल की खाल ना निकालें, एक एक लफ्ज की मिसाल समझ आ जाएगी। जी 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 जी, यहां तक बात समझ आ गई नहीं आई, तूफानी चीज तो बयान की नहीं मैंने, है कोई रॉकेट साइंस बता दी मैंने, एडमिट है ये अलकबूत कहां से आ गई यहाँ पे। आप लोग कौन से पढ़ रहे हैं, सूरह इब्राहिम, आखिरी आयत कल क्या पढ़ी थी हमने,
पढ़े कौन सी आयत थी वो? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने पढ़ा कि शैतान अपना खुतबा देगा जब जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे। सही, चलिए इंशाल्लाह फिर आप ये बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अलम तर कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतन तय्यबतन असलुहा साबित व फरउहा फिस्समा, इसकी तफसील पढ़ेंगे। लेकिन ये बताएं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उदखिलल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात। उदखिला क्या सीगा है? ये उदखिला क्या सीगा है? पहले अमर है, पहले अमर तो उदखुल होता है और मजहूल लितुदखल होता है, लाम आता है उसके पीछे। जी उलमाए इकराम, सुलासी मजीद का माजी मजहूल है, बिल्कुल सुलासी मजीद का माजी मजहूल है। अदखला युदखिलु इदखाल से, दाखला यदखुलु का क्या माना होता है? दाखला दाखिल होना, दाखिल होने का मतलब होता है दुखूल। अदखला दखला का क्या मानी है? दाखला वो एक शख्स दाखिल हुआ, और अदखला हाँ ये बात याद रखें, जब भी मुजर्रद से फेल मजीद फी फेले इफाल में आता है, बाबे इफाल में आता है, तो इसका माना मुतादी हो जाता है। मुतादी से मुराद दाखला, वो खुद दाखिल हुआ, अदखला उसको दाखिल किया, खराजा वो खुद निकला, अखराजा उसको निकाला, करुमा वो इज्जतदार हुआ, अकरमा उसने उसकी इज्जत की। तो अदखला युदखिलु इदखाल दाखिल करना, और उदखिला वो एक शख्स दाखिल किया गया। व उदखिलल्लदीना आमनु, और दाखिल किए जाएंगे अल्लदीना आमनु वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। उदखिला बल्कि दाखिल कर दिए गए, कर दिए गए, मिनता मतलब माना मजहूल मुस्तकबिल के माना में, मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा। इसका मुजारे क्या आएगा? अदखला का। अब बाप पढ़े आप लोगों ने, अब बाप पढ़े या नहीं पढ़े? पढ़े भी होंगे तो क्या ये रस्ट है, विधंग आ गया। अफ़ाला युफ़िलु इफ़ाल, अदखला युदखिलु इदखाल। चले आमनु क्या सीखा है? जमा सही जा गए नहीं है, हाँ जमा मुजक्कर गायब, पहले माजी मारूफ। ठीक है जी, सुभानक अल्लाह व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सलाम। हम शेख हमने सारे बाप पढ़े हैं लेकिन समझ नहीं आती, अभी सोचने में बहुत वक्त लगता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ताकि सोचने का वक्त कम होता जाए आहिस्ता आहिस्ता। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे कभी आपने गाड़ी या मोटरसाइकिल चलानी सीखी हो, जब शुरू में आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, हाथ भी हिल रहे होते हैं, गाड़ी के पीछे एल का निशान लगा होता है कि ये लर्नर है, लाल होता है, दूर रहना, कभी भी ये इधर से इधर हो सकता है। ब्रेक भी देख के मारते हैं, बीच वाला ब्रेक है या एक्सीलेटर है, कभी ब्रेक की जगह एक्सीलेटर भी दब जाता है तो गाड़ी घुस जाती है, गियर भी देख देख के लगा रहे होते हैं, फिर वापस स्टेयरिंग पे हाथ आता है। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है, जब प्रो हो जाते हैं तो बस फिर गाड़ी चला रहे होते हैं और पता नहीं होता कि कब हाथ कहाँ जा रहा है, ऐसा सेट होता है हाथ कि फ़ोन पर भी बाजू का बात कर रहे होते हैं, एक हाथ से खा रहे होते हैं और गाड़ी भी चल रही होती है। ये अरबी भी ऐसी है, अरबी की जबान भी ऐसी है, बल्कि बहुत सी सलाहियत ऐसी होती है
इंसान पहले तो बड़ा घबरा रहा होता है, लेकिन जब एक बार पटरी पे चढ़ जाता है फिर टेंशन नहीं होती, फिर पढ़ता रहता है और चलता रहता है। सुभानकल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। हदीस की नस्बत के एतबार से जिसकी तरफ हदीस मंसूब की जाती है उसको चार किस्मों में मुहद्दिसीन ने तकसीम किया है, क्योंकि इन चारों किस्मों के अलावा हमें कोई और किस्म नहीं मिलती कि जिसकी तरफ जो है वो हदीस मंसूब की जाती हो। अगर कोई और किस्म है भी सही तो वो इन चारों में से किसी के अंदर दाखिल होगी। तो हदीस की जितनी भी किस्में हैं ये हदीस किसकी है इस एतबार से मुहद्दिसीन ने इसको चार किस्मों में तकसीम किया है। पहले नंबर पर कभी तो वो हदीस अल्लाह ताला की होती है और कभी वो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है, कभी वो हदीस किसी सहाबी की होती है और कभी ताबियाई की। अगर ताबियाई के बाद तबा ताबियाई की हो तो उसको भी ताबियाई की बात के अंदर ही दाखिल कर दिया जाता है, उसके लिए कोई अलीदा से पाँचवीं किस्म नहीं बनाई गई। तो हमने हदीस कुदसी के मुतालिक पढ़ लिया था। आप में से कोई बताएगा कि कुरान करीम और हदीस कुदसी के अंदर क्या फ़र्क होता है? माइक है आपके पास? तो ये जो खर्चा किया है ना माइक का, ये इसलिए किया है ताकि आप माइक में बोलें, तो पैसे हलाल करें और माइक में बोलें। कुरान करीम में अल्फाज भी अल्लाह ताला के होते हैं और माने भी अल्लाह ताला के होते हैं, और हदीस कुदसी में बात अल्लाह ताला की होती है लेकिन आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं अपने सुलूक में, अपने अल्फाज में बयान करते हैं। बहुत अच्छा, ये पहला फ़र्क है। दूसरा फ़र्क क्या है? दूसरा ये है कि कुरान करीम की तिलावत जो है अल्फाज पे 10 नेकियां मिल रही हैं वो इबादत है, लेकिन हदीस कुदसी जो है वो उस तरह इबादत नहीं है जिस तरह कुरान इबादत है। जिस तरह कुरान का पढ़ना इबादत है हर लफ्ज़ पे 10 नेकी है, लेकिन वो हदीस कुदसी पर नहीं होगा। ये हो गया। और भी कोई है फ़र्क? सही, बेहतरीन, बारकल्लाह फीकुम, माशाल्लाह, बहुत अच्छा समझ रहे हैं, बहुत बेहतरीन। मैं तो परेशान हो गया था कि पता नहीं ये बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही। आप तो मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से बयान कर रहे हैं, बारकल्लाह। तो अब हम आते हैं हदीस की, इतना टार्चर अभी से ना करें, ठीक है? हाँ, तो अब ऐसा है कि आप जब जवाब दें तो आप अरबी में दें। मैंने आपसे पूछा था ये बात, इन्होंने नहीं बताई थी। हाँ, मैंने कहा कि आप इतनी अच्छी इबारत क्यों पढ़ लेते हैं, कितने बस ऐसे ही पढ़ लिया यहाँ, ये नहीं बताते कि सऊदी अरब कराए। अच्छा, दूसरी जो हदीस की किस्म है वो है मरफू। ये जो लफ्ज है ना मरफू, इस मफ़ऊल का सिगा है और रफ आ से लिया गया है। रफा का माना होता है उठाना, तो मरफू का क्या माना होता है? बुलंद किया हुआ, बुलंद किया हुआ। जैसे मजदूर का माना होता है मारा हुआ, तो मरफू का माना होता है बुलंद किया हुआ। क्योंकि हदीस की जितनी भी अकसाम हैं, हदीस कुदसी के बाद जो सबसे, जी ठीक है, शुरू से जिक्र करते हैं। मरफू लिया गया है रफा से, रफा का ये इस्म मफ़ऊल है। और इसका माना है बुलंद किया हुआ। रफा से इस्म मफ़ऊल है और इसका माना है बुलंद किया हुआ। तो इस हदीस को मरफू क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलंद किया जाता है।
इसके बाद अरबी इबारत है हमारे सामने, तो उसे कौन पढ़ेगा आप में से? जी मा अज़ीफ़ा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतसल्लन काना औ मुनक़तान। मुतसल्लन काना औ मुनक़तान। मुनक़तान। मा अज़ीफ़ा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतसल्लन काना औ मुनक़तान। एक इंतहाई आसान सवाल, और वो ये है कि हमने पढ़ा इलन नबी, ये नबी के नीचे हमने जेर पढ़ी, तो इला की वजह से हमने इसको जेर दी। आप में किसी को मालूम है कि जो हरफ किसी को जेर देता हो उसको क्या कहते हैं और कितने होते हैं? किसी को याद है? सही, ठीक है। अल मरफू, मरफू हदीस, मा वो होती है उदीफ के जिसकी निस्बत की गई हो, मा उदीफ जिसकी निस्बत की गई हो इलन नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मुत्तसिलन कान औ मुनक़तियान, चाहे उसकी सनद मुत्तसिल हो या मुनक़ति हो। मुत्तसिल का माना होता है मिली हुई, और मुनक़ति का माना होता है टूटी हुई। जी, मिसाल के तौर पर एक हदीस है जिसको मिश्कातुल मसाबी, आपने नाम सुना है, किन्होंने लिखी है? जी हाँ, जमा की गई हैं, लेकिन उस किताब का जो खासा है वो ये है कि साहिब किताब ने पूरी पूरी सनदें हज़फ कर दी हैं, यानी सिर्फ सहाबी का नाम जिक्र किया है कि रसूल, सहाबी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब ये हदीस, इसकी पूरी की पूरी सनद गायब है, तो ये हदीस भी मरफू कहलाएगी। अगर कभी ऐसा होता है कि एक ताबिई होता है, ताबिई ताबिई कहता है कि मैंने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो नहीं कि मैंने सुना, वो कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब यहाँ से क्या मालूम होता है कि ताबिई ने यह हदीस किसी सहाबी से सुनी होगी, और सहाबी का वास्ता उसने बीच में गिरा दिया और डायरेक्ट कह दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब इस हदीस की सनद मुत्तसिल है या मुनक़ति है? मुनक़ति, बीच में से सहाबी का वास्ता महजूफ है, तो ये हदीस मरफू कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? मरफू कहलाएगी, क्योंकि हम आखिर में देखेंगे कि हदीस की आखिर में निस्बत किसकी तरफ है। अगर निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है तो चाहे पूरी सनद गायब हो, चाहे सनद के कुछ हिस्से गायब हों, वो हदीस मरफू ही कहलाएगी, चाहे उसकी सनद मिली हुई हो या सनद बीच में से किसी जगह गायब हो या पूरी सनद गायब हो, वो हदीस मरफू कहलाएगी। ये अलग बात है, ठीक है ना, ये फिर आगे आएगा कि अगर हदीस की सनद मुनक़ति हो, टूटी हुई हो, तो उसका शुमार किन के अंदर होता है, ये अगली बहस है। लेकिन अभी हमारे सामने जो अहम बात है वो ये कि हदीस की निस्बत अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो तो वह मरफू कहलाएगी। अगर एक सहाबी कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा था या आपकी सिफात ऐसी थी, तो इस हदीस की निस्बत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हुई और यह भी मरफू हदीस कहलाएगी। ये बात हम पीछे जिक्र कर चुके। अल मौकूफ, मौकूफ हदीस, ये कोई पढ़े, दूसरे को मौका दें, आप में से कोई और पढ़े। हुआ मा अज़ीफ़ु इला सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु मुत्तसिलन काना औ
मुनक़तियान। बहुत अच्छा, लेकिन आपसे भी कुछ पढ़ने में यूं गलती हुई कि अल मौकूफ हुआ मा उज़ीफ इलन नबी, मा उज़ीफ इलन नबी, बल्कि यहाँ पर सहाबी है, इला सहाबी रदी अल्लाह अन्हु मुत्तसिलन काना अव मुनक़तियान। अल मौकूफ हुआ मा उज़ीफ इला सहाबी रदी अल्लाह अन्हु मुत्तसिलन काना अव मुनक़तियान। मौकूफ ये वक़फ से लिया गया है, बिल्कुल ऊपर की तरह ही वक़फ से इस मफ़ऊल है। मौकूफ वक़फ से इस्म मफ़ऊल का सीगा है, और मौकूफ का माना है रोका हुआ। वक़फ का माना करते हैं रुक जाना, और मौकूफ रोका हुआ। अब तवज्जो दें, हदीस मौकूफ को मौकूफ क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये नबी अलैहिस्सलाम तक बुलंद नहीं होती, बल्कि सहाबी तक आकर रुक जाती है। तो गोया कि ये सहाबी का अपना कौल होता है या फ़ैल होता है, या सहाबी के सामने कोई अमल किया गया होता है और सहाबी उस पर खामोश रहता है। मिसाल के तौर पर अली रदी अल्लाह अनु का कौल है, हद्दिसु नास बिमा यारिफून अतुरीदून अन युकद्दब अल्लाह व रसूलुहु। ये मैं इजाफी तौर पर बता रहा हूँ, हर चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं है, आपसे मतलूब वही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। खुद इजाफी बात आपको समझ आती है, बहुत अच्छा। अगर नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं, सिर्फ जो इबारत है इसको समझना ज़रूरी है। मिसाल क्या है कि अली रदी अल्लाह अनु फरमाते हैं कि लोगों से ऐसी बातें करो दीन के मामले में कि जिन बातों को वो पहचानते हों, यानी जो उनके अकल के मुताबिक हों, उनका जो मुस्तवा ज़हनी है उसके बराबर हों, उनकी सोच से कोई बढ़कर मुश्किल बातें ना हों। क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकदीब की जाए, उनको झुटलाया जाए? अगर दीन की मुश्किल मुश्किल बातें, ना समझ आने वाली बातें अगर लोगों के सामने जिक्र करोगे तो लोग उन बातों को झुटला देंगे, और वो बातें अल्लाह और उसके रसूल की हैं, तो माना है कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को झुटलाया। लिहाजा हिकमत का तकाजा ये है कि जिस मौके पर जो बात करनी चाहिए उस मौके पर वही बात की जाए, कोई मुश्किल बातें लोगों के सामने जिक्र ना की जाए। तो ये सहाबी का अपना कौल हुआ, तो ये हदीस मौकूफ कहलाएगी क्योंकि सहाबी का अपना कौल है। वजी जो है वो इस हवाले से जो मिसालें हैं वो बड़ी किताबों के अंदर आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन समझाने के लिए एक मिसाल दी कि सहाबी का अपना ज़ाती कौल हो तो उसको मौकूफ़ कहा जाता है। इसी तरह सहाबी का कोई अपना ज़ाती फ़ाइल हो तो उसको भी मौकूफ़ कहा जाता है, अगर कोई सहाबी उसका अपना कोई ज़ाती जो है वो फ़ाइल हो। जैसे मुआज़ रदी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि वो तयम्मुम किए हुए थे और पीछे जो उनके लोग खड़े थे, वो तयम्मुम किए हुए थे और इमामत करा रहे थे, और पीछे जो उनके मुक्तदी थे वो सारे के सारे बावजू थे। इसे क्या पता चलता है कि अगर इमाम तयम्मुम से हो और मुक्तदी बावजू हो तो उनकी नमाजों के अंदर कोई खलल बाकी नहीं होता। ये नहीं है कि इमाम की नमाज तयम्मुम की वजह से उसका मकाम कम है और मुक्तदियों की नमाज का वजू की वजह से मकाम ज़्यादा, ऐसा नहीं है। तो तयम्मुम करने वाला वो वजू करने वालों की इमामत करवा सकता है, ये सहाबी का अपना फेल है, तो ये क्या हुआ? मौकूफ हुआ। जी हाँ, अगर वो सहाबी कोई कॉल करे, कोई बात करे या कोई अमल करे और उसके बाद जिक्र करे कि आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया था, तो ये मरफू हो जाएगी। जी मौकूफ हो जाएगा। सहाबी का नाम था मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु। अब जबकि हम आधा पीरियड पढ़ चुके हैं और अभी मैसेज आया है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह, इस तरह के मौजज़े भी हैं। तो बात यह है कि हमारे पास एक मुज़क्किरा है, ये नोट्स हैं, ठीक है,
दीदार कर लें और इसको डाउनलोड कर लें, क्या नहीं मिला? क्या ये आपका जो ग्रुप है उसमें शेयर नहीं हुआ? ये तो ये ऑनलाइन वालों के साथ ये जुल्म क्यों है? कोई लेकर जो है वो यहाँ पर शेयर कर दे इन विचारों के साथ। जी लिंक सेंड किया गया होगा, आप उसको देखें। मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, जवाब आ गया, ऑनलाइन शेयर किया गया है। हम तो जो है वो इंतजाम करने वालों के लगते लेने वाले थे कि ऐसे कैसे किया उन्होंने, लेकिन शुक्र है कि वो बच गए। ठीक है, तो साथी दोबारा से शेयर कर दें पीडीएफ की जो कॉपी है वो डाउनलोड करने और उसको अपने सामने रखना जरूरी है, क्योंकि ये आम दर्स तो नहीं हो रहा दर्स बुखारी की आप ऐसे ही सुन रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और किताब का सामने होना जरूरी है। मौकूफ़ की हम तारीफ की तरफ आते हैं। हुआ मा उदीफ़ा, मौकूफ़ वो होता है, मौकूफ़ हदीस वो होती है उदीफ़ा के जिसकी नस्बत की जाए। आपने लफ सुना है ना मुजाफ मुजाफिल है, ये भी उसी से है। मुजाफ मुजाफिल में क्या होता है कि एक की नस्बत दूसरी की तरफ होती है, मुजाफ की नस्बत मुजाफिले की तरफ होती है। तो यहाँ पर भी माना यही करेंगे कि जिसकी नस्बत की गई हो सहाबी की तरफ। रदी अल्लाह अनु मुत्तसिलन काना अव मुनकतियन, चाहे उसकी सनद मिली हुई हो या सनद टूटी हुई हो फिर भी वो मौकूफी के लायक। सिर्फ ये देखना है कि आखिर में ये कौल फेल तकरीर किसका है। रदी अल्लाह अन्हु, रदी ये फेल है और अल्लाह इस्मुल जलालह ये फाइल है, अन ये हर्फ जर है और हा ज़मीर मजरूर है। जार और मजरूर ये आप जानते हैं कि मुतालिक होते हैं किसी फेल के, जानते हैं ये? ठीक है, माना क्या है इसका? रदी अल्लाह अन्हु का माना क्या है? अल्लाह ताला उससे राजी हो गया। अगर हमारे यहाँ कोई शख्स फोत होता है तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? रहिमहुल्लाह, क्या माना है इसका? रहिमा माजी का सीगा है या अमर का सीगा है, तो माना क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उस पर रहम किया। तो हमें क्या मालूम रहम किया कि नहीं किया? जी हाँ, तो अब यहाँ पर समझने की बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम ये जो लफ्ज है सहाबी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उस वक़्त इसका माना होता है खबर का, यानी अल्लाह ताला उससे राजी हो चुका। राजी हो चुका कैसे पता चला? क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद बता दिया रदी अल्लाह अन्हुम व रदु अन्हु। और जहाँ तक सहाबा कराम के अलावा अगर हम किसी और के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जैसे रहिमहुल्लाह, तो ये लफ्ज़ अगरचे खबर है, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने उस पर रहम किया, लेकिन इसको कहते हैं खबर बमाना इंशा के है। इंशा समझते हैं? इंशा की बहुत सारी किस्में हैं, उनमें से एक किस्म होती है हुक्म देना। थोड़ी गहराई वाली बातें हैं, समझना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये खबर बमाना इंशा के है। वापस आते हैं, तीसरी जो हमारे सामने किस्म है यहाँ पर तरतीब के लिहाज से चौथी है और वो है मकतू अल मकतू। जी पढ़ें। अल जी पढ़ें पढ़ें। अल मकतू हुवा मा उज़ीफ़ा इला ताबिई मुत्तसिलन काना अव मुनक़तियन। अल मकतू कता से इस मफूल का सीगा है और मकतू का माना है काटा हुआ। कता का माना होता है काटना और अल मकतू कता से इस मफूल का सीगा है और इसका माना है काटा हुआ। मकतू हदीस किसे कहते हैं? कहते हैं हुआ मा उदीफ इला ताबिई
मुत्तसिलन कान अव मुनकतियन, वही ऊपर वाली तारीफ ही है। आसान तर्जुमा है, वो जिसकी निस्बत की गई हो ताबियी की तरफ, मुत्तसिलन काना अव मुनकतियन, चाहे उसकी सनद मिली हुई हो या सनद में इनकिता हो, सनद टूटी हुई हो। तो जो चीज ताबियी की तरफ मंसूब है उसको मकतू क्यों कहते हैं? क्योंकि मरफू और मौकूफ के मुकाबले में ये बिल्कुल कटी हुई है, बिल्कुल पीछे है, आगे ये बढ़ी नहीं, ठीक है ना। इसको काट दिया गया सहाबी से भी और नबी अलैहिस्सलाम से भी। तो इस वजह से हदीस मकतू का माना क्या हुआ कि जिसकी नस्बत ताबी की तरफ हो। अगर तबा ताबी की तरफ हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे भी मकतू कहेंगे। अगर इसकी नस्बत, यहाँ पर तो लिखा हुआ है जिसकी नस्बत ताबी की तरफ हो, अगर तबा ताबी की तरफ नस्बत है तो फिर भी उसे मकतू ही कहेंगे, चाहे उसकी सनद मिली हुई हो या सनद में इनकता हो। जी उसको मुरसल कहते हैं। तो ये हदीस की नस्बत के एतबार से चार किस्में हैं, जो भी हदीस होगी इन चारों किस्मों से खाली नहीं होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हदीस नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है या अल्लाह ताला की तरफ मंसूब है तो उसकी सनद सही हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। मुमकिन है कि हदीस की सनद सही हो, मुत्तसिल हो तो वह हदीस सही हो, और मुमकिन है तो मुमकिन है कि वह आगे सही हो, उसका हुक्म अलहदा होता है। लेकिन अब हम यहाँ पर जो हदीस पढ़ रहे हैं वो ये कि हदीस की नस्बत के एतबार से उसकी चार किस्में होती हैं, सही होगी या नहीं होगी, कब सही होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। जी मौकूफ में ये ये देखना है कि इसकी निस्बत सहाबी की तरफ है, मुत्तसिल या मुनकते यानी सनद कटी हुई हो। मुत्तसिल का माना है इत्तिसाल से, अरबी में जो ना वो इत्तिसाल कहते हैं मिलने को, उस मुत्तसिल का माना है कि सनद मिली हुई हो, हर रावी ने दूसरे रावी से सुना हो, आपस में पूरा जो कोई सिलसिला है दरमियान में से कहीं से कोई रावी गिरा हुआ ना हो। और मुनकते का माना होता है सनद टूटी हुई हो। वासे है यहां तक। मरफू हदीस की बेशुमार मिसालें हैं, किसी भी हदीस को आप ले लें वो या तो मरफू होगी या मरफू कौली होगी या फैली होगी या तकरीरी होगी या वसवी होगी। मरफू की ये चार किस्में होती हैं। आप अलैहिस्सलाम की सिफत मरफू कौली यानी जो आप अलैहिस्सलाम ने जबान से कोई बात इरशाद फरमाई, फैली मरफू यानी जो आप अलैहिस्सलाम ने काम किया हो और सहाबा करम ने उसको देखा हो, और मरफू तकरीरी के जो आप अलैहिस्सलाम के सामने काम किया गया हो, और मरफू वसवी जिसमें आप अलैहिस्सलाम की कोई सिफत जिक्र की गई हो। ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर समझ ना आए तो हमारा मकसद यहाँ पर बस आगे भागना नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कोई भी बात समझ नहीं आए आप बार बार मुझे पकड़ कर घसीट कर ला सकते हैं शुरू में, तो हम इंशाल्लाह दोबारा से बताएंगे। ऊपर जो हमने पढ़ा था कि हदीस की जो दूसरी किस्म है ना मरफू, मरफू के अंदर चार चीजें दाखिल होती हैं कि जिनकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है। पहले नंबर पर यह कि वो रसूलुल्लाह सल्लम की बात हो, उसे कहेंगे मरफू कौली, या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम हो, फ़ैल हो, तो उसे कहेंगे मरफू फ़ैली। तीसरे नंबर पर यह कि वो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया हो और आप खामोश रहे हो, तो उसको कहा जाता है मरफू तकरीरी। और अगर किसी सिफत का जिक्र हो नबी अलैहि सलाम की किसी सिफत का, चाहे वो सिफत आपकी अखलाकी सिफत हो या आपकी पैदाइशी सिफत हो, तो उसको क्या कहते हैं? मरफू वस्फी। वस्फी ये मरफू की हमने चार किस्में जिक्र की।
मरफु कौली, मरफु फ़ियली, मरफु तकरीरी और मरफु वस्फी। वाज़े है, दोबारा दोहराए से। मरफु वस्फी और वो ये है, इसी के बारे में मरफू वस्फी ये होती है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सिफत जिक्र की जाए, चाहे उस सिफत का ताल्लुक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक से हो या वो सिफत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइशी सिफत हो, अखलाक से या वो आपकी पैदाइशी सिफत हो, तो ये मरफू वस्फी कहलाती है। समझ आ गया, वाज़े है। अच्छा, अब ये जो आपके सामने ये मुज़क्करा है, आप इसको बंद कर दें और मेरी तरफ तवज्जो दें। जितनी भी आपके सामने कुतुब अहादीस मौजूद हैं, जितनी भी हदीसी किताबें मौजूद हैं, इनके अंदर जो अहादीस मौजूद है ना, अहादीस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी अहादीस हैं, मुहद्दिसीन बुनियादी तौर पर इन हदीसों को दो किस्मों में तकसीम करते हैं। वो ये देखते हैं कि इस हदीस को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेने वाले सहाबा और सहाबा के बाद ताबियाइन, ताबियाइन के बाद तबा ताबियाइन, हत्ता कि ये हदीस जब किताब के अंदर लिखी गई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर किताब में लिखने तक जो इस हदीस के लेने वाले जिनको रावी कहा जाता है उनकी तादाद कितनी थी, बात आई समझ में। वो ये देखते हैं कि तादाद के लिहाज से हदीसों को जो तकसीम करते हैं वो दो किस्मों में तकसीम करते हैं। जितनी भी हदीस हैं, अगर देते हैं कि रावियों की तादाद कम अज कम 10 है तो उसे मुतवातिर कहते हैं, और अगर 10 से कम है तो उसे आहाद कहते हैं। फिर से हम दोहराते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी अहादीस हैं, मुहद्दिसीन देखते हैं कि इस हदीस को रिवायत करने वाले अफराद की तादाद क्या है। अगर अफराद की तादाद 10 या 10 से ज़्यादा है, 10 या 10 से ज़्यादा है तो उसको क्या कहते हैं, मुतवातिर। अगर 10 से कम है यानी 9 है तो उसे क्या कहते हैं, आहाद। आहाद लफ्जों की वजाहत करते हैं, जो हदीस मुतवातिर है ना, जो हदीस मुतवातिर है उसके लिए जरूरी है कि सहाबी यानी जितने भी उसको कसीर तादाद में रिवायत कर रहे हो, भले कर रहे हो, लेकिन कम अज कम 10 रह जाए। फिर उसके बाद जो दूसरा तबका है ताबियाइन का, कम अज कम उसको रिवायत करने वाले 10 ताबियाई हों। फिर उसके बाद जो तबा ताबीन का तबका है तो उसको भी रिवायत करने वाले कम अज कम 10 हों, यानी भले ज्यादा हो जाए, ज्यादा की कोई हद नहीं है, लेकिन कम अज कम उसकी रिवायत करने वाले किसी तबके में 10 रह जाएं तो उसको मुतवातिर कहते हैं। और अगर जी मुतवातिर, यह आपके सामने लफ्ज मौजूद होगा, ठीक है। अच्छा, और अगर रावियों की तादाद 10 से कम है, मिसाल के तौर पर सहाबा की तादाद 70 है और ताबियों की तादाद 9 है तो ये मुतवातर होगी या आहाद होगी? अब आहाद हो जाएगी। सहाबा की तादाद 100 है, ताबीन की तादाद 50 है, लेकिन तबा ताबीन की तादाद 8 या 9 है तो ये क्या कहलाएगी? ये भी आहाद कहलाएगी, यानी कम अज कम 10 होने चाहिए। हर तबके में कम अज कम 10 हों, ज्यादा की कोई हद नहीं है, ठीक है। अगर ज्यादा हो, चाहे जितने ज्यादा हों वो मुतवातिर कहलाएगी, लेकिन कम अज कम 10 हों, 10 से कम हो तो वो मुतवातिर की तारीफ से निकलकर आहाद की तारीफ में आ जाएगी। अब ये मुतवातिर क्या है? लफ्ज मुतवातिर थोड़ा सा अजीब सा नया लफ्ज है, मुतवातिर। ये जो मुतवातिर लफ्ज है ये तवातुर से लिया गया है, तवातुर, ठीक है, तवातुर से ये लफ्ज लिया गया है। और
तवातुर का माना होता है किसी चीज का मुसलसल और पेदर पे एक दूसरे के बाद आना। जिस तरीके से बारिश बरसती है ना, बारिश तो बारिश का जो एक कतरा अभी जमीन पर गिरता ही नहीं कि दूसरा पहले से आ जाता है, मुसलसल जो है वो बारिश हो रही होती है। तो अरबी जबान में कहते हैं तवातरतिल मतारु, मुसलसल बारिश हुई। तवातर ता वाव ता रा और आखिर में फिरता तवातरतिल मतारु। इस लफ्ज को यूं लिखेंगे तवातरतिल मतारु। इसका माना होता है बारिश मुसलसल हुई। तो जो चीज तसलसल के साथ हो, पेदर पे हो, उसको मुतवातर कहते हैं। बारिश तो इसको मुतवातर हदीसों क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको रिवायत करने वाले भी पेदर पे मुसलसल रावी होते हैं, ज्यादा तादाद में होते हैं। मुतवातर अहादीस की तादाद जो आहाद अहादीस है उनके मुकाबले में बहुत थोड़ी है। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह ने इस बारे में किताब लिखी है, उसमें सारी मुतवातर अहादीस को जमा कर दिया गया है। लेकिन बहरहाल मुतवातर अहादीस बहुत थोड़ी हैं। ये जो आहाद है ना, आहाद ये लफ्ज भी जमा है। आहाद किसकी जमा है? अहद की। और अहद वाहिद के मानों में इस्तेमाल होता है, जिसका माना होता है अकेली। आहाद मतलब हर हदीस में सबसे कैटेगरी दस्तक होनी चाहिए। जी हाँ ठीक है, मरफू वस्तू सही। आहाद जो है ये अहद से लिया गया है, और अहद ये वाहिद के मानों में है और इसका माना होता है अकेली। तो आहाद इसमें रावियों की तादाद कितनी होती है? कम से कम आहाद में 10 से कम हो, यानी ज्यादा से ज्यादा तादाद जो होती है किसी तबके में वो हम यूं कहेंगे कि अब यहां पर हम आहाद की जब तारीफ देखते हैं तो आहाद को तकसीम करते हैं तीन किस्मों में। अगर रावियों की तादाद देखेंगे, किसी तबके में आकर रावी की तादाद सिर्फ एक हो तो उसे कहेंगे कि ये गरीब है। अगर किसी तबके में आकर रावियों की तादाद दो हो कहेंगे ये अजीज है। ये सारे लिखी हुए किस्में। और अगर तारीम तादाद एक तबके में आकर सिर्फ तीन रह जाए तो उसे क्या कहेंगे? ये मशहूर है, मशहूर। ये तीनों किस्में हैं। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सारी बातें इंशाल्लाह लिखी हुई हैं। तो हम आते हैं इस तरफ। तकसीमुल हदीस बे एतबार वसूलिही इलैना, हदीस की तकसीम हम तक पहुंचने के एतबार से, अहादीस जो हम तक पहुंची हैं तो इस एतबार से हदीस की तकसीम। अल मुतवातिर और दूसरे नंबर पर है अल अहाद। अच्छा, मुतवातिर के बारे में हमने ये तो पढ़ लिया कि रावियों की तादाद कितनी हो, कितनी हो? कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं है। तो इसकी तारीफ करेंगे क्या कि मुतवातिर की रावियों की तादाद तो हमने मालूम हो गई, लेकिन मुतवातिर होती क्या है? तारीफ ये करते हैं कि एक ऐसी हदीस कि जिसको एक बहुत बड़ी तादाद रिवायत करे, ये तारीफ अरबी में लिखी हुई है, और ये बात अकलन नामुमकिन हो कि लोग सारे के सारे ये जमा होकर और उन्होंने ये हदीस घड़ी है, अपनी तरफ से हदीस बनाई है, अकल इस बात को नापसंद यानी नामुमकिन समझे। जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी खबर होती है, जब आप एक मरतबा सुनते हैं आपको यकीन नहीं आता, दूसरी मरतबा सुनते हैं आपको थोड़ा सा यकीन होता है, लेकिन जब वो खबर मुसलसल आप सुनते रहते हैं तो आपको पुख्ता यकीन आ जाता है।
मिसाल के तौर पर एक बंदा आकर आपको बताता है कि मैं क्लास में आने से लेट इसलिए हुआ कि यहाँ जेल चौकी पर रश लगा हुआ था। आपको थोड़ी तश्वीश होगी, मालूम है क्यों रश था। अच्छा, दूसरा बंदा आकर कहता है कि वहां पर पुलिस खड़ी हुई थी। तीसरा बंदा आकर कहता है कि वहां पर आपस में गाड़ियां टकराई थी। चौथा बंदा आकर कहता है कि इतने अफराद मर गए। फिर आप फेसबुक खोलते हैं, वहां पर खबर मौजूद है। व्हाट्सएप देखते हैं तो उसमें खबर आई हुई है। तो क्या अभी आपको शक होगा कि यानी जेल चौरंगी पर कोई हादसा हुआ है? नहीं, आपको यकीन हो जाएगा। क्योंकि क्या ऐसा मुमकिन है कि जो लोग व्हाट्सएप और फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और जो सारे के सारे कोई औरंगी से आ रहा है, कोई कोरंगी से आ रहा है, कोई गुलिस्तान जौहर से आ रहा है, कोई सदर से आ रहा है, ये सारे के सारे जमा हुए हों और उन्होंने कहा हो कि आज ऐसा है कि हम सब लेट क्लास में जाएंगे और हम सारे के सारे एक ही बहाना बनाएंगे, क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं है, मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो, अच्छा चलो, जो क्लास के अंदर आ गए वो तो कर सकते हैं, ग्रुप बनाकर उन्होंने कहा कि हम सारी एक ही कहानी सुनाएंगे। लेकिन जो क्लास में नहीं आए, जो बंदा लाहौर के अंदर बैठा हुआ है, उस तक खबर पहुंची, वो पोस्ट कर रहा है, उसको क्या जरूरत है झूठ बोलने की? आपको अमेरिका से खबर आ रही है पाकिस्तान की, आपकी गली में क्या है पता नहीं, आपको बाहर से आपको जो ना कोई बंदा मैसेज कर रहा है कि आपकी गली के अंदर ये हो रहा है। तो ये सारे जो है, ये सारे के सारे लोग झूठ पर जमा नहीं हो सकते। चले, आप में से अमेरिका कौन कौन गया है? ठीक है, आपको छोड़कर, चले अमेरिका को छोड़कर हम किसी और मुल्क का नाम लेते जहां कोई ना गया हो। इथियोपिया कौन कौन गया है? कोई नहीं गया। क्या ऐसा मुमकिन है? आपने नाम सुना इथियोपिया का, सही है। क्या ऐसा मुमकिन है कि बचपन से लेकर आज तक सारे के सारे जिन लोगों ने आपके सामने इथियोपिया का नाम जिक्र किया, ये जमा हो गए हों कि हमने इस क्लास के सारे लोगों के सामने इथियोपिया का नाम इतना मरतबा जिक्र करना है, इनको यकीन हो जाए कि इथियोपिया कोई मुल्क है? ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है कि बचपन से लेकर आज तक जितनी मरतबा आपने सुना है, ये सारे के सारे लोग किसी जगह जमा हुए हों और उन्होंने कहा कि हम इथियोपिया का इतनी मरतबा बोलेंगे कि इस बंदे को यकीन हो जाए कि इथियोपिया एक मुल्क है? नामुमकिन है ना। मुतवातिर के अंदर भी जो अफराद हदीस को लेने वाले होते हैं ना, कोई किस शहर का होता है, कोई किस मुल्क का होता है, कोई किस मुल्क का होता है, और वो हदीस इतनी ज्यादा लोगों तक पहुंची होती होती है कि यानी बंदा ये सोच ही नहीं सकता कि सारे लोग कभी जमा होकर वो झूठ बोल सकते हों। इतने ज्यादा अफराद उस हदीस को रिवायत करने वाले थे और इतना यकीन होता है। जब इतना यकीन होता है तो फिर मुतवातिर हदीस में ये नहीं देखा जाता कि हदीस सही है या ज़ईफ है, मुतवातिर हदीस सही होती है, ठीक है ना। क्योंकि जब आपको इतने अफराद दे रहे हैं तो अब इस खबर के सच्चे होने में कोई शक नहीं होता। मुतवातिर अहादीस मौजूद हैं, जी हाँ, बहुत सारी अहादीस हैं, बहुत सारी अहादीस हैं मुतवातिर भी, ठीक है ना, और उसकी कुछ मिसालें हैं। तो हम पहले मुतवातिर की तारीफ की तरफ आते हैं। अल मुतवातिर, ये लफ्ज तवातुर से लिया गया है और इसका माना है पे दर पे या मुसलसल। कहा जाता है तवातुरतिल मतर, बारिश मुसलसल नाजिल हुई। अल मुतवातिर तवातुर से लिया गया है, इसमें फाइल का सिखा है उसे, और इसका माना होता है मुसलसल और पे दर पे। इसकी तारीफ है मुहद्दिसीन की सलाह में, मुतवातिर उसे कहते हैं मा वो हदीस रवा हो अददुन कथीरुन, जिसे रिवायत करे एक बहुत बड़ी तादाद। यस्तहीलु फिल आदते, मा वो हदीस रवा हो के जिसे रिवायत करे आददुन कथीरुन, बहुत बड़ी तादाद। यस्तहीलु फिल आदते, ये बात आदत में महाल हो, यानी अकल में महाल हो। आदत मतलब अकल के अंदर ये बात महाल हो। महाल किसे कहते हैं? नामुमकिन हो। यस्तहीलु, नामुमकिन हो, फिल आदत अकल में, अकल के अंदर ये बात नामुमकिन महसूस हो, ये बात अकल के अंदर नामुमकिन हो। अय तवाफकु अलल कदबी, कि ये सारे के सारे जमा हो गए हों झूठ पर। हदीस मुतवातिर वो है कि जिसे बहुत बड़ी तादाद रिवायत करे, अकल इस बात को नामुमकिन समझे कि ये सब झूठ पर मुत्तफिक हो गए हैं, सब झूठ पर जमा हो गए हैं।
यह इसकी तारीफ है। तारीफ या ये याद करें या औ के बाद इसकी दूसरी तारीफ है। औ, औ का माना क्या होता है? या मा वो हदीस रवाहु जमातुन, कि जिसे एक बहुत बड़ी जमात रिवायत करे, वो हदीस के जिसे एक जमात रिवायत करे, ला युमकिनु इत्तिफाकुहुम अलल कदिबी, कि उनका झूठ पर मुत्तफिक होना मुमकिन ना हो। अकल इस बात को नामुमकिन समझे कि ये इतनी बड़ी तादाद मिलकर एक हदीस झूठी बना सकती है। तो अहादीस मुतवातिर जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। अहादीस मुतवातिर दो तरह की होती हैं। कुछ तो हदीस मुतवातिर वो होती हैं कि जो अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए वो अल्फाज सारे सहाबा किराम ने वही अल्फाज याद किए, वही अल्फाज ताबियाइन ने, वही अल्फाज तबा ताबियाइन ने, और आखिर तक लफ्जों में जबर जेर पेश और एक नुक्ते की भी कोई तब्दीली नहीं हुई। तो इसको कहते हैं ये मुतवातिर लफ्जी है, ये मुतवातिर है और लफ्जी, यानी लफ्जों के साथ ये हदीस हम तक पहुंची है, मुतवातिर है लफ्जों के साथ। अक्सामुल मुतवातिर, मुतवातिर की अक्साम। पहली किस्म है अल मुतवातिरुल लफ्जी, जो लफ्जन मुतवातिर हो। मा वो हदीस तवातर लफ्जुहु व मानाहु, कि जिसके अल्फाज और उसका माना मुतवातिर हो। मा तवातर लफ्जुहु व मानाहु, जिस हदीस के अल्फाज और उसका माना मुतवातिर हो। ये फेल माजी है तवातर। इसकी मिसाल है यह हदीस जो आपके सामने हदीस लिखी हुई है। जी पंखा, पंखा चला दें। वो हदीस के जिसके अल्फाज और उसके माना दोनों मुतवातिर हों। जैसे आपके सामने यह हदीस है, इसको 70 से ज्यादा सहाबा किराम ने रिवायत किया है और सब ने यही अल्फाज बयान किए, और हर सहाबी ने जब अपने शागिर्दों ताबईन को यह हदीस बयान की, तमाम ताबईन ने इन्हीं अल्फाज को याद किया, और आखिर तक यह हदीस जिस इस किताब के अंदर मौजूद है इन्हीं अल्फाज के साथ मौजूद है। और वह हदीस यह है, मन कदब आलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। मन कदब, जिसने झूठ बोला, आलैया मुझ पर, मुतअम्मिदन जानबूझकर, मन कदब जिसने झूठ बोला, आलैया मुझ पर, मुतअम्मिदन जानबूझकर। आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो बंदा मुझ पर जानबूझकर झूठ बोलता है, फल्यतबव्वअ, बस उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना बना ले, फल्यतबव्वअ, बस उसे चाहिए कि वो बना ले मक़अदहु अपना ठिकाना, फल्यतबव्वअ, बस चाहिए कि वो बना ले मक़अदहु अपना ठिकाना मिनन नार आग से। जो बंदा मुझ पर जानबूझकर झूठ बोलता है तो उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, अब वो जहन्नमी है, उसको जब पता है कि ये झूठ है। और आप देखिए मौजूदा दौर में बहुत सारे लोग, उनके यहाँ अहादीस की फैक्ट्री लगी हुई है, आए दिन वो नई नई हदीसें पेश करते हैं जिनको आपने पूरी जिंदगी के अंदर नहीं सुना होगा। जैसे अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब, इसी तरह मौलाना तारिक जमील साहब, तो इनके पास अहादीस हर तरह की और जो है वो हर कैटागरी की और हर तरह की हदीस उनके पास दस्तियाब है, जैसी चाहिए आपको हदीस मिल जाएगी। बहरहाल बहुत सख्त वाइद है, अगर हदीस अगर मौजू है, मन घड़त है और हमें उसका मौजू होना मालूम है, जब हम मौजू हदीस को उसका मौजू होना बयान किए बगैर बयान नहीं कर सकते, हराम है। लेकिन हमारे यहाँ जो ये इलियास कादरी साहब हैं वो कहते हैं मौजूआत कबीर के अंदर हदीस लिखी है, लोग कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, उनको क्या पता मौजूआत कबीर क्या होती है, यानी मन घड़त अहादीस की जो बड़ी किताब है वो।
और हदीस बयान कर रहे होते हैं और लोग जो सुन रहे होते हैं, नहीं उनका इस्तदलाल ये नहीं होता। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो उसने जम रखते हैं, सही। मुख्तलिफ किताबें हैं इस मौजू पर, मुकम्मल कर लेते हैं, अभी 6 मिनट हैं। तो ये दूसरी किस्म है मुतवातिर मानवी, यानी एक हुक्म है और वो बहुत सारी अहादीस के अंदर मौजूद है मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, उसके रावियों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। अल्फाज वो नहीं है, वो माना है। मिसाल के तौर पर नीचे मिसालें दी हैं, आई आ रही हैं। तो दूसरी किस्म है अल मुतवातिरुल मानवी, वो मुतवातिर कि जिसका माना मुतवातिर हो, यानी उस हदीस के अंदर जो माना है वो माना बहुत ज्यादा सहाबा कराम ने उसको रिवायत किया हो। हदीस के अंदर एक मसला पेश किया गया है और वो मसला बहुत सारी अहादीस के अंदर पेश है, तो वो मुतवातिर मानवी कहलाता है। मा तवातर माना हो दून लफ्जी ही, कि जिसका माना मुतवातिर हो अल्फाज के अलावा, यानी अहादीस के अंदर जो माना है जो हुक्म जिक्र किया गया है तो वो माना मुतवातिर है। जी मुतवातिर मानवी, मा तवातर माना हो जिसका माना मुतवातिर हो दून लफ्जी उसके अल्फाज के अलावा, यानी अल्फाज मुतवातिर नहीं है माना मुतवातिर है, वो माना बहुत सारी अहादीस के अंदर मौजूद है और उसकी रिवायत करने वाले रावियों की तादाद बहुत ज्यादा है। जी जी हाँ ठीक है, इसलिए कि ये दून का मुजाफिले है, दून मुजाफे और लफ्ज ये मुजाफिले है और मुजाफिले मजरूर होता है। दी मुजाफ इलेह पर आती है, मुजाफ पर नहीं आती। अल मानवियो जी, इसकी मिसालों में से मुतवातिर मानवी की मिसालों में से हदीस उल मस्ह अल खुफैन, मोजों पर मसह करने की हदीस। अब ये हदीस इतनी ज्यादा वारिद हुई है, इतनी ज्यादा उसको सहाबा अकराम ने रिवायत किया है कि जिसमें मोजों पर मसह का जिक्र है, बेतहाशा हदीस है, तो मोजों पर मसह करने का मामला मुतवातिर है। वह हदीस व अदाब कब्र, अजाब कब्र की हदीस भी बहुत ज्यादा है। हदीस की हर किताब के अंदर अजाब कब्र के बारे में हदीस मौजूद है, तो अजाब कब्र का मामला भी क्या हुआ, मुतवातिर हुआ। वह अहादीस शफा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिफारिश करना, शफात करना अपनी उम्मत के लिए, तो इस बारे में वो जो भी अहादीस वारिद हुई है इतनी ज्यादा हैं कि वो भी तवातुर की हद तक पहुंचती हैं। लेकिन ये सारी की सारी मुतवातिर मानवी हैं, इनका माना मुतवातिर है, मुख्तलिफ अहादीस के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज से वारिद हुई हैं, माना मफहूम सब तायक है कि मसह करना जायज है, अजाब कब्र साबित है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफात करेंगे, तो सारे के सारे मुतवातिर, लेकिन मुतवातिर मानवी हैं। ठीक है जी, मिन अम्थलतिही हदीसुल मस्ह अलल खुफैन व हदीस अदाबिल कब्र व हदीस शफाअती अलल खुफैन, माना मुतवातिर, मानवी मुतवातिर। मानवी मुतवातिर क्या होती है कि माना जो होता है वो बहुत सारी अहादीस के अंदर मौजूद होता है और उसकी रावियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो वो मुतवातिर मानवी कहलाता है, लेकिन सबके अंदर माना एक ही होता है। ऐसे रफ़ाल दिन की अहादीस है, नमाज में जो रफ़ाल दिन किया जाता है वो भी बहुत सारी अहादीस के अंदर वारिद हुआ है और ये भी मुतवातिर है, मानवी है। ठीक है, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।